सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, विंडोज 10 में माउस पॉइंटर और कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है विंडोज 10 की सेटिंग में जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो यहाँ पर माउस पॉइंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से आप माउस पॉइंटर साइज़ जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माउस पॉइंटर साइज़ जो है चेंज हो गया है। दोस्तों, अगर आपको जो है कलर चेंज करना है तो आप जो है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है यहाँ पर से ईजिली कलर जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप जो है यहाँ पर पिक के कस्टम पॉइंटर कलर के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर से आप कोई भी कलर जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं डन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर कलर भी जो है चेंज हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप विंडोज 10 में माउस पॉइंटर साइज और कलर जो है चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।